मैं वंदना कुमारी आपकी हिंदी की शिक्षिका, आपका ऑनलाइन पढ़ाई में आपका हार्दिक अभिनंदन। बच्चों, आपको पता है हमारा विश्व एक कोरोना जैसी बीमारी से जंग लग गई, इस जिस कारण से हमारा उसमें प्रभावित हमारा भारत वर्ष ही हो, इस कारण हमारा विद्यालय भी बंद है, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, घर में रहकर इस जंग को जीतना है। इसी बीच हमें अपनी पढ़ाई को बाधित भी नहीं करना, इसके लिए हमारा विद्यालय ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की है। तो आज हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ प्रथम प्रार्थना प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम प्रभु से क्या मांगेंगे? आज भी हम लोग जिस लड़ाई में, जिस जंग से, जिस बीमारी से, वहां भी हम अपने प्रभु को याद करते हैं। हे प्रभु, इस बीमारी से हमें और हमारे भारतवर्ष को मुक्ति दे दे। इसलिए हम अपने पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ प्रभु मेरा जीवन को सुंदर पढ़ेंगे। तो हम पहले इस कविता के उद्देश्य को पढ़ें। इस कविता का उद्देश्य क्या है? क्यों हम इस प्रार्थना को पढ़ेंगे? इस कविता का उद्देश्य है, इस प्रार्थना को पढ़ने के पीछे हमारा उद्देश्य है कि हे प्रभु, हे सर्वव्यापक, हे सर्वस्व, हे प्रभु, मेरा हर चीज सुंदर हो, मेरा और सबसे पहले हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमारा हर चीज सुंदर हो, मन सुंदर हो, तन सुंदर है, परंतु बेटा प्रभु से विनती करने से ही हमारा मन और तन सुंदर नहीं हो जाता है, उसके लिए हमको प्रयासरत रहना पड़ता है, हैं? तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे, अपने कविता को पढ़ना सीखेंगे। कविता कैसे पढ़ा जाता है? कविता को हमेशा लयबद्ध पढ़ना चाहिए। कविता कैसे पढ़ेंगे? मैं पहले आपको इस कविता को पढ़कर सुनाती हूँ। प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर, जगना सुंदर, सोना सुंदर, घर का कोना कोना सुंदर, प्रभु मेरा आंगन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर, कपड़े सुंदर, खाना सुंदर, वाणी सुंदर, गाना सुंदर, तन हो सुंदर, मन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर, दिन हो सुंदर, रातें सुंदर, सब हो मेरी बातें सुंदर, प्रभु मेरा छन छन हो सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। तो इस प्रार्थना के रचयिता हैं, कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। आपको मैं वीडियो क्लिप के माध्यम से, ऑडियो क्लिप के माध्यम से पढ़ाऊंगी, बाकी चैप्टर का भी मैं फोटो खींच के आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजूंगी। आप भी इस कविता को पढ़ेंगे और कविता को याद करेंगे। बच्चे, सबसे पहले हम अपना कविता का जो मुख्य चीज है, शब्दार्थ, जो कठिन शब्द होते हैं, जब तक हम कठिन शब्द के अर्थ को नहीं समझेंगे तो हमें ये कविता समझ में नहीं आएगी। प्रभु का क्या होता है? प्रभु को आप क्या कहते हैं? ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं। जीवन, जीवन किसको कहते हैं? हम जिंदगी को जीवन करते हैं, क्षण पल। तन का अर्थ होता है शरीर, मन का अर्थ होता है चित्त अंतरात्मा, वाणी का अर्थ होता है बोल और वचन। तो प्रभु का अर्थ होता है ईश्वर, है ना? जीवन का अर्थ होता है जिंदगी, क्षण क्षण का अर्थ होता है पल, तन का अर्थ होता है शरीर, मन का अर्थ होता है चित्त, अंतर आत्मा, और वाणी का अर्थ होता है बोल, वचन।
कठिन शब्द आए हैं, शब्दार्थ को पहले हम याद करेंगे। हम कविता के जब कठिन वर्ड को याद करेंगे, कठिन शब्द को याद करेंगे, तभी कविता हमको स्पष्ट समझ आएगी। तो हम क्या पढ़ेंगे, प्रभु का क्या है, ईश्वर, ईश्वर परमात्मा भी हम बोल सकते हैं, प्रभु ईश्वर परमात्मा। जीवन, हमारा जीवन, हमारी जिंदगी, जीवन का अर्थ होता है जिंदगी। क्षण, क्षण का अर्थ होता है पल। शरीर, शरीर किसको कहते हैं, तन, तन का अर्थ होता है शरीर, हमारा जो काया है, जिस शरीर से हम चलते हैं, बोलते हैं हमारा शरीर। हम प्रभु से क्या कहते हैं, हे प्रभु मेरा तन भी सुंदर हो, तन का अर्थ क्या है शरीर। मन, मन का अर्थ होता है चित, मन अंतर आत्मा। वाणी, वाणी का अर्थ होता है बोल और वचन। तो बच्चों इस कविता के माध्यम से हम क्या पढ़ेंगे, इस कविता को पहले आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, और जब कभी कोई प्रॉब्लम हो, कविता ना समझ में आए, तो आप वीडियो वॉइस एसएमएस से मेरे से क्वेश्चन करेंगे, सवाल करेंगे, है ना। कहीं कोई परेशानी हो, दिक्कत हो, तो हमको वॉइस में एसएमएस से आप, मैं आपकी समक्ष उपस्थित रहूंगी पूरी 45, जैसे हम कक्षा में पढ़ते हैं, जैसे हम वर्ग में पढ़ते हैं, वैसे ही मैं 45 मिनट आपके साथ रहूंगी। इसलिए बेटा कहीं भी कोई भी परेशानी हो, आप अवश्य हमसे सवाल करेंगे, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए उपस्थित रहूंगी। इसलिए कविता आप पढ़ेंगे, कविता की मूल्य भाव में बताती हूँ जो बातें आपको समझ में आ रही। कविता के माध्यम से हम क्या सीखेंगे, प्रभु से हम क्या कहेंगे, हे प्रभु हमारी बाहरी आवरण तो सुंदर हो ही, एवं अंतर मन भी आकर्षण। हमें अपने जीवन को सही प्रकार से सुंदर बनाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, ना कि प्रभु से विनती करें और सब कुछ हमको मिल जाए, उसके लिए हमको जब तक प्रयास नहीं करेंगे हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। अब हम पुनः बच्चों आपको गृह कार्य दे रहे हैं। गृह कार्य में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कविता को कंठस्थ याद करेंगे, कविता को याद करेंगे, उसके बाद जो शब्दार्थ आपके पुस्तक में भी दिया हुआ है, मैं बोर्ड पे भी लिखी हूँ और आपके पुस्तक में भी, सबसे पहले हम शब्दार्थ याद करेंगे, कविता याद करेंगे, शब्दार्थ याद करेंगे, बाकी हम पीडीएफ फाइल में बना करके सारे वर्कशीट आप, बाकी वर्कशीट हम पीडीएफ फाइल के माध्यम से आपको आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगी और आप अपने नोटबुक में सारे अभ्यास कार्य करेंगे। जहाँ कोई दिक्कत होगा बच्चों आप हमें अवश्य पूछेंगे, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए उपस्थित रहूंगी। धन्यवाद।